हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर एक अनदर वीडियो। और छोटा स्टॉक है फ्रेंड्स, ये डिश टीवी के बारे में बताने की कोशिश करते हैं। काफ़ी व्यूअर्स भी पूछने की कोशिश कर रहे थे, ये लगातार नीचे की तरफ है। जैसे कि SL ग्रुप में आप जानते हैं कि डेब्ट का बड़ा कंसर्न रहा है, उसके वजह से इनके शेयरों में बड़ी पिटाई रही है और नीचे की तरफ है। और जो जी एंटरटेनमेंट है इनका मेन शेयर, उसमें काफ़ी अच्छा ट्रेडिंग होता है फ्रेंड्स। अगर आप डिश टीवी में अगर इन्वेस्टेड हैं या फिर आपने लिया है लगभग ये 17 से 20 रुपये के बीच, तो इसके लिए जो एक खबर थी 2-3 महीने पहले, एक खबर थी फ्रेंड्स, डिश टीवी भारती को अपना कुछ हिस्सेदारी बेचने के लिए बात चल रही थी, तो उसका जो रेट का मामला था तो वो ऊपर के लेवल पर था। अभी स्टॉक चल रहा है लगभग 11.5 रुपये के आसपास, तो इसी के वजह से अभी इनमें बात नहीं बनी है। अब ये अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे विदेशी कंपनियों को और कहीं ना कहीं बेचना है। और दूसरी बात ये है कि जो जी एंटरटेनमेंट में फ़ायदा क्या हो रहा है, देखिए जो हिस्सेदारी डिश टीवी में बेच रहे हैं ये, तो उससे फिर अपनी हिस्सेदारी उसमें भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे ये जी एंटरटेनमेंट में। तो बताने का रीज़न ये है फ्रेंड्स, अगर आप डिश टीवी में अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो हिस्सेदारी अपने अगर आने वाले समय में बेचेंगे, क्योंकि इनका जो भी मार्केट शेयर एक तरह से टाटा स्काई के आसपास है, 31% टाटा स्काई है और 31% डिश टीवी है। और जियो काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि आप जान रहे कि उन्हें कि रिलायंस भी मीडिया सेक्टर में है, तो वो और कंपनियों का मर्जर करने की कोशिश कर रहा है कि और कंपटीशन बढ़ेगा। तो अब SL ग्रुप के लिए दिक्कतें ये है कि अभी फ़िलहाल ये भारती से बात नहीं बनी है, तो इसी खबर को आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आने वाले समय में क्या हो सकता है, और टेक्निकली या मूविंग एवरेज के हिसाब से भी बताने की कोशिश करते हैं। अभी रिजल्ट इन्होंने दिया था उसमें भी कमी पेशी थी, इसी के वजह से आपने देखा कि 52-week लो के आसपास है। जैसे कि आपने अगर ट्रेड भी करते हैं तो फ्रेंड्स प्रॉफिट भी मिलता है, तो प्रॉफिट को भी बुक करने की कोशिश करिए। तो ये खबर एक आप लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं और उसके बाद आप लोगों को ट्रेड दिखाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद आपको मूविंग एवरेज के हिसाब से कैसे कारोबार किया जाता है उसको हिसाब से आप कारोबार कर सकते हैं। डिश टीवी को लेकर जो खबर आई है फ्रेंड्स, उसमें से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। डायरेक्ट टू होम कंपनी डिश टीवी को लेकर कंपनी प्रवर्तक SL समूह के सुभाष चंद्रा और भारती एयरटेल के सुनील मित्तल के बीच प्रस्तावित सौदा मूल्यांकन पर मतभेदों के कारण रद्द हो गया। जैसे कि आप लोगों को बताने की कोशिश थी कि जो रेट है उसके हिसाब से, क्योंकि जो शेयर का भाव काफ़ी नीचे की तरफ है, ये 55% के आसपास हिस्सेदारी है। समूह अब कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए वैश्विक वित्तीय निवेशक से बातचीत कर रहा है। SL ग्रुप की योजना इस सौदे से मिलने वाली नकदी से अगले 12 महीने में अपनी प्रमुख कंपनी जी एंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेस GEL 5% हिस्सेदारी की पुनर्खरीद की है। तो इसके कारण फ्रेंड्स ये खबर है, और अब देखना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी इनके ऊपर हिस्सेदारी लेती है। डिश टीवी इंडिया लिमिटेड का जो ट्रेड हो रहा है फ्रेंड्स, आज 3.5% ये ऊपर की तरफ है, और इसमें आज लगभग आप अभी मूविंग एवरेज आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, तो पिछले कुछ 1-2 महीने से लगभग 11 रुपये से ये 13-14 रुपये तक जाने की कोशिश कर रहा है, और इसमें रिजल्ट भी आया था तो उसमें भी कमी पेशी आई थी, और 25 अक्टूबर 2019 में 10.40 रुपया इसने लो किया था, 42.25 रुपया इसने हाई किया है। तो इसमें देखिए तेज़ी जो होगी, लगभग अगर 13 रुपये से ऊपर की तरफ जाता है तभी इसमें तेज़ी हो सकती है फ्रेंड्स। और कंपनी ने जो इन्फॉर्मेशन दिया है, शेयर होल्डिंग है, देखिए ये 54.95 है 31 दिसंबर 2019 को, और इससे पहले 55% के आसपास था, और इसका फाइनेंशियल रिजल्ट में भी कमी पेशी रही थी, और इसमें आप जो रेवेन्यू है उसमें भी कमी पेशी रही थी। बट अगर इस डिश टीवी में अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो एक तरह से लोअर लेवल पे है, ये जानते हैं कि जी ग्रुप ज़्यादातर मीडिया में है और काफ़ी अच्छे इसके सब्सक्राइबर्स भी हैं। तो इसमें डिश टीवी में फ्रेंड्स आप देखिएगा कि मार्च के महीने में ये तेज होने की कोशिश कर सकता है। अभी फ़िलहाल जो खबर है, जैसे कि आप 3 महीने लगभग अगर आपने डिश टीवी को अगर आप जी एंटरटेनमेंट के शेयरों में अगर कारोबार करते हैं, वैसे तो देखिए जो बड़ा स्टॉक है उसमें कारोबार करना चाहिए, बट ये है कि डिश टीवी लगभग 50 रुपये से नीचे, ज़्यादातर रिटेलर इसको पसंद करते हैं क्योंकि
ये ज़्यादा इसमें ट्रेड होता है, मूव भी काफ़ी तेज़ी से आता है। बट ये है कि अभी जो ये डिश टीवी भारती में बात नहीं बनी है, तो यू नो ये ऐसा नहीं है कि ये अभी अपना बेचेंगे नहीं, और बात चल रही है इनके विदेशी निवेशकों से भी बात चल रही है, कुछ इनका डेप्ट में भी है, तो ये सारा कुछ अभी है फ्रेंड्स। और आने वाले समय में ये है कि अगर टेक्निकली देखेंगे तो अपने लोअर लेवल पे है, और 10 रुपये 40 पैसे इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए, अब ऊपर की तरफ का मूव इसमें दिखना चाहिए, जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि और भी जो इस सेक्टर के शेयर्स हैं उनमें भी एक विलय की खबरें आ रही हैं। तो डिश टीवी में भी आपको दिखेगा कि मार्च के महीने में विलय की खबरें आएंगी, तो ये एक तरह से फिर सर्किट के हिसाब से ही ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा जो जिन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है। तो आप कोशिश करिए कि अगर आपको प्रॉफिट मिले तो निकलने की कोशिश करिए, फिर उसके बाद इसमें एंट्री करने की कोशिश ना करिए, क्योंकि अगर आपको वो और भी तेज होता हुआ दिखेगा तो आप फिर और उसमें एंट्री करने की कोशिश करते हैं ज़्यादातर रिटेलर। तो फ्रेंड्स ये ट्रेड के बारे में आप लोगों को बताने की कोशिश थी, और अब आप अगर टेक्निकली अगर देखना चाहते हैं तो चार्ट के द्वारा भी बता सकते हैं, बट ये है कि मूविंग एवरेज के हिसाब से देखना चाहते हैं तो वो आपके लिए आप बताने की कोशिश है, उसके हिसाब से भी आप ट्रेड कर सकते हैं। डिश टीवी का जो अगर आप मूविंग एवरेज से देखना चाहते हैं तो ये देखिए 5 डे का लगभग 5 डे से 20 डे के आसपास, लगभग 50 डे के आसपास, लगभग मान के चलिए 12 रुपये 13 रुपये से 11 रुपये के बीच ये कारोबार कर रहा है। आज ये कारोबार कर रहा है लगभग 11 रुपये 50 पैसे में, 3.5% ऊपर की तरफ। जैसे कि आप जान रहे हैं कि जी ग्रुप जो SL ग्रुप में है काफ़ी डेप्ट का मामला रहा है, और इसका जो अच्छा शेयर है जी इंटरटेनमेंट उसमें काफ़ी अच्छी ट्रेडिंग होती है फ्रेंड्स। अगर आप डिश टीवी को अगर छोटा स्टॉक है करके लिए हैं, इन्वेस्टमेंट किए हैं, या फिर आपने ऊपर के लेवल फंसे हुए हैं, तो ये आपके आंकड़े आपको देख सकते हैं लगभग ये 13 रुपये से ऊपर की तरफ, लगभग 13 रुपये 75 पैसा यानी 14 रुपये से ऊपर की तरफ अगर बंद होगा तभी आपको 20 रुपीज़ की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। बीच में भी हडल होंगे, ऐसा नहीं कि बीच में हडल नहीं होंगे, लगभग 70 रुपये के आसपास, क्योंकि ये 17 रुपीज़ से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश नहीं कर रहा। और बीच में ये देखिए जो अभी अगर डेली वाइज आप देखना चाहते हैं तो इस तरह का आपका अगर डेली वाइज देखेंगे तो पिवट पॉइंट के हिसाब से देखेंगे तो ये 11 रुपये के आसपास सारे आंकड़े हैं, सारे नंबर्स हैं, तो इसमें इस तरह से देख सकते हैं। फिलहाल जो खबर बनी हुई है अभी ये कोशिश कर रहे हैं और अपना जो डेप्ट को कम करने के लिए और हिस्सेदारी बेचने के लिए, तो फ्रेंड्स अभी आने वाले दिनों में ये बात रहेगी। और मार्च तक उम्मीद थी, ये जो भारती के साथ इनका विलय होने की बात थी फ्रेंड्स वो मार्च तक आने की खबर थी, बट अब भारती के साथ इस तरह का नहीं रहा है, तो टेक्निकली एक तरह से अगर 14 रुपये से ऊपर की तरफ क्लोजिंग देता है तो आपको 17 और उसके बाद 20 रुपीज़ की तरफ जाता हुआ दिख सकता है डिश टीवी। और नीचे जो 52 वीक लो है फ्रेंड्स अगर उसको ब्रेक करेगा तो आपका उससे भी नीचे की आने की कोशिश कर सकता है, बट ये बहुत नीचे के लेवल पे है डिश टीवी, और रिजल्ट के कारण भी कमी पेशी रही है, उसके कारण इसमें कुछ कमजोरी रही है, बट ये है कि अगर हिस्सेदारी बेच देते हैं तो एक मूव जो है मार्च में आता हुआ दिख सकता है। तो फ्रेंड्स ये डिश टीवी के बारे में अपडेट था आप लोगों के लिए, अगर आप इसमें फंसे हुए हैं या इन्वेस्टेड हैं तो आपको आने वाले समय में मार्च में ऐसा लग रहा था कि इनकी बात जो है भारतीय एयरटेल से बन जाएगी, बट ऐसा हुआ नहीं। अब दूसरे निवेशक या दूसरे इन्वेस्टर्स इन हिस्सेदारी लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि स्टॉक का भाव काफ़ी नीचे की तरफ है, तो ये फिलहाल अगर इनकी हिस्सेदारी बिकती है तो आपको जी एंटरटेनमेंट का जो शेयर है वो ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। तो इसमें ये करिएगा कि अगर आपको प्रॉफिट मिलता है तो आप प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करिए, और जो ऊपर के लेवल पे लिए हैं तो हो सकता है भी थोड़ा सा आपको दिखेगा बहुत तेज़ी से ये ऊपर की तरफ जाता हुआ भी दिख सकता है। आज तो ये लगभग 3 साढ़े 3 13 रुपये 11 से 13 रुपये के बीच कारोबार करता है। इस टीवी से आप कोशिश करिएगा कि इससे निकलने की कोशिश करिए, अगर आपको SL ग्रुप के किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है या ट्रेडिंग करनी है स्पेशली, तो जी एंटरटेनमेंट का शेयर देखने की कोशिश करिए, उसका लेवल भी एक दो वीडियो बनाए हैं उसको देखने की कोशिश करिए। तो ये अपडेट था फ्रेंड्स, आप लोगों को इसी तरह से इंडिया का जो शेयर मार्केट है स्टॉक मार्केट है उसका अपडेट एनालिसिस सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ये यूट्यूब चैनल इंडिया धीरज सिंह देखना है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए, फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।